हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स दिस इज़ कविता आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्टिकल सी कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव हमारा चाहे एस का हो एसएससी का एग्जाम हो आर्टिकल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं डिपेंड करता है ना एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर कितने आ, मार्क्स का दिया हुआ है ठीक है ना तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कोई ट्वेंटी क्वेश्चन लेंगे ट्वेंटी क्वेश्चन से आपको कुछ ट्वेंटी डिफरेंट रूल्स या लॉजिक्स का पता चलेगा आपने भी उनको साथ साथ में नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपीज पर ठीक है ना सो so, पहला क्वेश्चन रहता है हमारा

जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ये आ और एन है इनको हम एज पर द साउंड यूज़ करते हैं है ना हम एन तब लगाते हैं जब हमारे पास साउंड हिंदी में क्या आता है आ से अंग आहा का साउंड आता है जो आप कहते हो ना ए ई आई ओ यू इससे बेटर है आपको हिंदी का साउंड पकड़ना क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको हिंदी का ही साउंड पकड़ना है तो यहाँ पे अपर वर्ड लिखा है तो अपर में साउंड आ का आ रहा है अगर लिखें तो आ पारा अपर आ का साउंड आएगा तो उससे पहले क्या लगेगा आपका एन लगेगा यहां पे क्या आएगा आपका एरर पहले पार्ट में यहां पे एन होना चाहिए था ठीक है ना वही अगर यहां पे साउंड होता किसका कॉन्सोनेंट का हिंदी में अगर हम बात करें अगर हिंदी की बात करें तो का से लेकर गया तक कि जितने भी साउंड आते हैं ना यहां पे अगर वो होते तो हम आर्टिकल आ लगाते फिलहाल यहां पे क्या लगेगा एन लगेगा और एन क्यों लगा यहां पे क्योंकि साउंड जो था यहाँ पे वावल साउंड था हिंदी का साउंड पकड़ना है हमने अपर का साउंड था इसलिए हमने यहां पे एन लगा दिया आई होप सम आ गया होगा यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है इस वाले लॉजिक से नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज टॉट स्लैश 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 मी हाउ टू प्ले फ्लूट एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम उसने मुझे सिखाया क्या सिखाया कि कैसे बजाते हैं फ्लूट को और वायलिन को बिना टाइम ज़ाया किए बर्बाद किए अगर देखा जाए यहाँ पे लिखा है द फ्लूट एंड द एंड वायलन अब मैंने आपको बताया था विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने हमारे लेक्चर देखे होंगे वीडियो में तो मैंने समझाया था कि विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दोनों ही जगह आर्टिकल दा लगेगा अगर द फ्लूट है तो द वायलिन भी होना चाहिए था तो आपको यहाँ पर दा लगाना है तो आपका एरर किस पार्ट में ऑब्वियसली इट्स इन सी पार्ट में ध्यान रखना विद द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज आर्टिकल दा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने वहाँ पे आर्टिकल दा मेंशन करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वी यूज टू मीट नियर आर Slash temple just after the dawn, slash when no one was there, slash to watch and disturb us, slash no error. यूज टू मतलब पास की कोई आदत है कि हम मिला करते थे कहाँ मिला करते थे नियर अ टेम्पल टेम्पल के पास में कब आफ्टर द डॉन दिन नो वन वॉस जब वहां पे कोई नहीं होता था हम शाम के टाइम पे वहाँ मिला करते थे ताकि हमें कोई देखे ना और हमें कोई डिस्टर्ब भी ना कर सके स्लैश नोअर देखो अब यूज टू है तो आपको पता है ये मॉडल वर्ब है ये हमें बताता है पास की हैबिट के बारे में है ना पास हैबिट या बोलो पास को एक्शन हो तो अगर यहाँ लिखा होता ना कि यूज टू ऐसे तो भी गलत था यहाँ पे क्या आना था यहाँ पर यूज़ टू आना था तो देखा जाए तो यहाँ पे मॉडल वो हमारा सही लगा है मतलब हमारा इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है ना आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में लिखा आफ्टर द डान डान लिखा ना ये वर्ड आपको तो आपको हमेशा ध्यान रखना है देखो ये आफ्टर वर्ड हो गया या बिफोर वर्ड हो गया ये हमें टाइम इंडिकेट करते हैं ना पहले और बाद में का तो आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ हमने द आर्टिकल कभी लगाना नहीं है ऐसे भी मैंने आपको बताया होगा कि जब भी डान दस की बात करें तो इनसे पहले हम क्या लगाते हैं शॉर्ट टाइम है ये हमारे तो ऐट लगता है विद शॉर्ट टाइम मैंने ये आपको प्रपोजिशन में भी करवाया हुआ है कि जब भी प्रिसाइज टाइम की बात की हो हम लगाते हैं ऐट वहीं अगर लॉन्गर ड्यूरेशन की बात की हो लॉन्गर टाइम की बात करी हो तो हम इन लगाते हैं अगर लिखा होता मॉर्निंग तो यहाँ पे इन मॉर्निंग होता वहीं इन दी इवनिंग भी होता ठीक है ना तो छोटे समय के लिए हमेशा क्या वर्ड होता है एट लगता है दा नहीं लगता तो यहाँ पे दा लगा था इट मीन ए दा नहीं आना चाहिए था तो आपका जो है आपका जो बी पार्ट है वहां पर गलती हुई है ठीक है ना तो आपको भी एग्जाम में सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ के देखना है कुछ बच्चे क्या होते हैं घबरा जाते हैं लंबे सेंटेंस को देख के कि अरे यार अब इसमें एरर कहाँ पे आएगा तो वो लंबे छोटे सेंटेंस की बात नहीं होती है लॉजिक्स की बात होती है आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है ठीक है ना मूविंग टू वर्ड्स अवर फोर्थ सेंटेंस फोर्थ वन इज इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट विद स्लैश योर फ्रेंड्स यू कैन गो बट यू विल हैव टू कम बैक होम बिफोर दनसेट इस बोला कंडीशन की बात की कि अगर तुम जाना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ तो यू कैन तुम जा सकते हो बट क्या बोला है कंजक्शन यूज़ किए बट यू विल हैव टू लेकिन तुम्हें शाम होने से पहले ही वापस आना है देखो अगेन सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये लिखा है यहाँ पे बिफोर आप समझ जाओगे कि बिफोर वर्ड लगा है अगेन ये बता रहा है हमें क्या टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है तो इसके आगे, आगे आर्टिकल दा तो आना नहीं चाहिए था क्योंकि सनसेट लिखा है अब एग्जाम में डॉन लिखा हो या डस्क लिखा हो इसी के लिए आप यूज करते हो ना डॉन के लिए सनसेट या सनराइज यही वर्ड आप इनके आप यूज करते हो ना तो आपको इसका ध्यान रखना है बिफोर दी सनसेट है तो दी नहीं होगा यहाँ पे तो आपका जो एरर है वो आपके यहाँ पे डी पार्ट में आई होप क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विल वी ऑल हैव टू गो ऑल आउट टू इम्प्रूव ऑल नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक सेकेंड वी ऑल हैव टू गो आउट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मैन काइंड बिफोर इट इज़ टू लेट टू इम्प्रूव हम सभी को जाना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए किसको कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी बोलो या मैन काइंड बोलो इससे पहले काफ़ी देर हो जाए बिफोर इट इट इज टू लेट टू इंप्रूव इससे पहले हम इसको इंप्रूव ना कर पाए ये साइंस क्या निकल के आ रहा है काफ़ी देर हो जाए लिखा है वर्ड मैन मैंने आपको कहा था कॉमन नाउन है जैसे हम लिखते हैं मैन इज मॉर्टल ये मैन खुद में क्या है ये हमारा कॉमन नाउन है ना तो कभी भी इसके आगे हम कॉमन नाउन है तो हम कभी भी इसके आगे आर्टिकल दा नहीं लगाते है ना नहीं लगाते वैसे ये मैनकाइंड की बात हो रही है जनरल सेंस में बात कर रहे हैं ना कि हमें जाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए तो जब भी हम किसी चीज़ की जनरल सेंस में बात करते हैं मैंने आपको ऐसे भी समझाया है कि वी डोंट यूज़ आर्टिकल तो हम वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते तो यहाँ दा कैसे लगेगा फिर ये दा गलत हो गया यहाँ पे तो आपका एरर किस पार्ट में बन गया इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ये सी पार्ट का एरर है ठीक है ना कभी भी आपने आर्टिकल दा को नहीं यूज़ करना है जब किसी चीज़ की बात जर्नल सेंस में बात की जा रही हो वहीं उस चीज़ की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक ने कोई चीज़ की होती है तो हम उस टाइम पे क्या लगाते हैं आर्टिकल दा लगाते हैं ठीक है ना ना मूविंग टू वर्ड सिक्स क्वेश्चन

और यहाँ वर्ड यूज़ किया साथ में लिस्ट आपको वर्ड्स को पकड़ के अपने एरर सॉल्व करने अगर वैसे करोगे तो आपको ईजी लगेगा जिस बच्चे ने दिमाग लगाया होगा तो यहाँ बेस्ट है और लिस्ट है आपके दिमाग में आ गया होगा टॉपिक एडजेक्टिव का, का। क्योंकि हमने वहाँ तीन डिग्रीज पढ़ी हैं प्राइमरी सेकेंडरी बोल रहे हैं उसको हम कंपैरेटिव बोलते हैं डिग्री और एक होती है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ये तीन डिग्रीज होती है हमारे सामने जैसे हम कहते हैं हम कहते हैं नॉर्मली गुड तो गुड का हम कंपैरिजन क्या करते हैं बेटर है ना राम इज़ बेटर देन श्याम हम ऐसे बोलते हैं ना जब हम दो को कंपेयर कर रहे हैं तो हम बेटर यूज़ करेंगे क्योंकि कंपैरिजन हमेशा क्या होता है फॉर टू के लिए ले लेते हैं हम लोग वहीं सुपरलेटिव जब दो से ज़्यादा हो मोर देन टू होगा तो गुड बेटर हम उसके लिए बेस्ट लेते हैं वहीं अगर लिखा होगा लिटल लिटल का क्या लगाते हो आप लेस लगाते हो कंपेरिजन में और उसके बाद सुपरलेटिव में लीस लगाते हो है ना तो अगर ध्यान दिया हो तो जो बेस्ट है और जो लीस्ट है ये क्या हमारे सुपरलेटिव के देखो बेस्ट और लीस्ट सुपरलेटिव की बात करें तो जब भी सुपरलेटिव होना तो एक चीज़ सिंपल सी ट्रिक रखना याद एग्जाम के लिए कि इनसे पहले आर्टिकल दा लगता ही लगता है आर्टिकल दा लगता ही लगता है तो यहाँ पे देखो द बेस्ट टीचर लगा है ये तो सही है बेस्ट से पहले लगा दिया हमने यहाँ पे आर्टिकल दा वहीं देखो सेम टाइम ही इज लीस्ट रिकोगनाइज मिसिंग क्या है यहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल द मिसिंग है तो यहाँ पे भी आपने दा लगाना है तो एरर किस पार्ट में हो गया हिसाब से आपका एरर डी पार्ट में हो गया देखो मैं फिर कह रही हूँ सुपरलेटिव्स के साथ आपने क्या करना है आर्टिकल दा लगाना है ठीक है ना वहीं अगर ये चीज़ें कंपेरेटिव होंगी कंपेरिजन की बात करेंगे तो इसमें केसेस बनते हैं समझाऊंगी विद क्वेश्चन ठीक है ना तो यहाँ पर आर्टिकल दा का लगेगा लीज से पहले मूविंग टू सेवंथ क्वेश्चन राम is इन अ डाउट स्लैश that his फादर विल नॉट allow हिम टू गो abroad फॉर हायर एजुकेशन राम को क्या है एक डाउट है कि उसके जो पापा हैं वो उसको further नहीं भेजेंगे हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ abroad नहीं भेजेंगे है ना अब यहाँ देखो लिखा राम is इन अ डाउट अब जिन बच्चों ने क्लास ली होंगी हमारी उनको पता है उनको मैंने करवाया था कुछ ऐसे expressions होते हैं आप फ्रेजल बोल लो या नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात कर लो जिनको आप चेंज नहीं करते हो जिसे हम कहते हैं ना बाई बस होता है ऐसा सुना है कभी आपने कि बाई दी बस ये तो गलत हो गया हमारा या बाई ट्रेन होता है बाई दी ट्रेन नहीं होता है ना इन द मॉर्निंग होता है इन मॉर्निंग कुछ नहीं होता एट डान होता है इन डान नहीं होता है ना तो कुछ एक्सप्रेशन होते हैं ना जिनको एज इट इज़ यूज़ करना होता है तो ये इन अ डाउट नहीं होगा यहाँ पर ये क्या होगा इन डाउट होगा ठीक है क्या होगा इन डाउट जैसे हम कहते हैं ईट हम्बल पाई ये हमारा मुहावरा ऐसे ही होता है या हम कहते हैं गो फॉर अ वॉक गो फॉर वॉक नहीं होता कुछ है ना इन आ हरी होता है या इन अ टेम्पर होता है ठीक है ना तो ये मैंने फ्रेजेस आपको क्लास में लिखवाए हैं तो ये एज इट इज़ होते हैं आई आई गेस समझ आ गया होगा तो यहाँ पे एरर क्या आपका ए पार्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्कर्स हैव बीन ऑन आ स्ट्राइक फॉर मोर देन वन मंथ एंड हैव बीन आस्किंग फॉर पे राइज वर्कर्स क्या है स्ट्राइक पर है एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और वो क्या चाहते हैं उनकी डिमांड क्या है कि उनकी पे हाइक हो जाए है ना राइज हो जाए एंड स्लैश नो एरर देखो लिखा है वर्कर्स हैव बीन ऑन अगेन अगेन ये भी कौन सा वाला केस है आपका एक्सप्रेशन है ये फ्रेजल तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, था ये ऑन स्ट्राइक होगा देखो इसके बाहर कुछ नहीं बनता है तो आपने भी इनको उतार लेना है साथ साथ में क्या आएगा यहाँ पे ऑन स्ट्राइक होगा तो आपका जो एरर है आप कंफ्यूज नहीं होना आपका जो एरर है यहीं पे ठीक है ना समझ आ गया ऑन तो इस साइड लिखा है ना ए पार्ट में ये आ स्ट्राइक लिखा है तो ये आ नहीं होगा ऑन स्ट्राइक होगा तो इट मींस आपका रहा यहाँ पे किस पार्ट का है बी का ए का नहीं एरर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ वन ही हैज़ कम आउट स्लैश विद अ यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड वो आया है एक अलग सा आइडिया लेके अपने दोस्त के लिए है ना आ यूनिक होना चाहिए था यहाँ पे देखते ही समझ आ जाएगा यहाँ पे आ क्यों होगा यूनिक वर्ड लिखा है यूनिक साउंड किसका आएगा या यूनिक है ना या का साउंड आएगा मैंने आपको पहले ही बताया है जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे आर्टिकल आ लगता है तो यहाँ पे आ यूनिक होगा क्या होगा आ यूनिक होगा ठीक है ना लिखा होता है लाइक यूरोपियन तो दिखने में तो ई लग रहा है ना हमें कि यूरोपियन है तो हमारे माइंड में क्या आएगा वावल साउंड आएगा इस ई को देख के हम सोचते हैं कि ये वावल साउंड है बट हम गलत हो जाते हैं हमें हिंदी साउंड पकड़ना है तो अगेन यूरोपियन है ना यू का साउंड आएगा तो इसके पहले भी आपने क्या लगाना आ यूरोपियन लगाना है ना कि एन यूरोपियन लगाना है समझ आ गया तो यहाँ पे आ, आ आएगा ना कि एन तो गलती इस पार्ट की है आपके तो आपका बी पार्ट में क्या है जो एरर बन गया आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल आ लगेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल स्टार्ट स्लैश दे जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट वो अपनी जर्नी स्टार्ट कब करेंगे खाना खाने के बाद करेंगे है ना ब्रेकफास्ट लिखा है अब ये वाला केस मैंने करवाया हुआ है आपको मील्स की बात चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो ब्रंच हो लंच हो डिनर हो ये केज ही मैंने क्लास में लेक्चर करवाया था जब तो समझाया था विद मील्स अगर मील्स का हमें इसको समझो ऐसे अगर मील की बात हम जर्नल सेंस में करते हैं नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं डेली का तो हम आर्टिकल्स को नहीं यूज करते हैं ना कि हम तो डेली खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम को तो हमें वहां पे सेंटेंस में दा कैसे लगेगा वहां तो नहीं लगना चाहिए ना सेंटेंस में लेकिन वही मील किसी पर्टिकुलर ने अगर होस्ट कर दिया खाना आपके लिए या किसी पर्टिकुलर ने कर दिया डिनर आपके लिए होस्ट तो आपने तब लगाना है दा जैसे मैं कहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं यहाँ पे फूड लंच द क्वीन वो सुपर देखो समझने के लिख रही हूं मैं ठीक है ना अभी यहाँ लिखा है मैंने क्वीन लंच कर लो इसको या तो लंच कर लो इस वर्ड को है ना किसने किया है अब होस्ट हमारे लंच हमारे लिए किया है कि किसी क्वीन ने लंच होस्ट किया है ना तो वो हमारे लिए क्या बन गई पर्टिकुलर तो उससे पहले मैंने आर्टिकल दाल लगा दिया रेस्ट हम आर्टिकल नहीं लगाते सिंपल सी बात है चाहे मील की बात करो लाइफ की बात करो मनी की किसी भी चीज़ की आप बात करो जब आप बात करोगे उसकी जनरल सेंस में तो आपने कोई भी आर्टिकल को नहीं यूज़ करना है वहीं वो चीज़ जब बन गई पर्टिकुलर मतलब किसी खास ने किसी स्पेसिफिक इंसान ने वो चीज़ कर ली है तो आपको तो उस टाइम पे आर्टिकल को यूज़ कर लेना है तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में है आपके आपके इस वाले पार्ट में यहाँ पे एरर है ठीक है ना द ब्रेकफास्ट नहीं होगा सिंपली क्या होगा ब्रेकफास्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आवर टीचर से इज दैट ऑन ट्यूजडे और ऑन सैटरडे स्लैश वी शुड गो टू द टेम्पल हमारे टीचर ने क्या कहा हमसे हम कि हमें ट्यूजडे को और शनिवार को सैटरडे को क्या करना चाहिए हमें मंदिर जाना चाहिए देखो शूट लगाया है क्योंकि टीचर ने क्या दिया हमें ये एडवाइज़ ये तो हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब शुड यूज़ किया है लेकिन उससे पहले देखो लिखा ऑन ट्यूजडे ऑन सैटरडे मतलब दिन तो पर्टिकुलर है ना अब जब दिन पर्टिकुलर रखे हैं उसने तो यहाँ लिखा टेम्पल मैंने आपको कहा था जब भी किसी चीज़ का हमें प्राइमरी पर्पज़ मैंने आपको कहा था ना कुछ इंस्टीट्यूशन हैं हमारे सामने पब्लिक इंस्टीट्यूशन बोल लो जैसे टेम्पल हो गया मैंने कहा था आपको मैंने कहा था स्कूल है हमारा सॉरी 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 दिस इज़ डिस्टर्बिंग अगेन मैंने कहा था स्कूल बोल लो आप है ना चर्च बोल लो आप टेम्पल बोल लो इवन प्रिजन बोल लो आप कुछ भी बोल लो जब इनका मैंने कहा था प्राइमरी पर्पज़ में पता होता है कि हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं तो हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं लेकिन विद सेकेंडरी पर्पज़ हम आर्टिकल दा यूज करते हैं अभी बोला गया कि मंगलवार और शनिवार को क्या करना चाहिए हमें टेम्पल जाना चाहिए तो हमें तो पता है कि प्राइमरी पर्पज हमें जाना चाहिए टेम्पल तो यहाँ पे जो आर्टिकल दाह लगा है जो आर्टिकल दाह लगा है इसका यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है यहाँ पे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि टेंपल क्यों जाते हैं पूजा करने नहीं जाते हैं ना तो यहाँ पे आपने नो आर्टिकल करना है तो यहाँ पे एरर आपका इस डी वाले पार्ट में है आई होप समझ आ गया होगा एरर कहाँ पे यहाँ पे है ठीक है ना जैसे हम कहते हैं ना ही गो टू टेम्पल तो यहाँ पर क्या है वो टेम्पल जा रहा है ही ही जा रहा है टेम्पल ना और टेम्पल हमें पता है वो ही क्यों जा रहा है वो प्रेयर्स के लिए जा रहा होगा तो यहाँ पे अगर लगाओगे ना कि ही गो टू दी टेम्पल तो दाँ नहीं आएगा क्यों दा नहीं आएगा क्योंकि प्राइमरी पर्पज़ क्या है कि टेम्पल ही जा रहा है लेकिन हाँ अगर वो ही टेम्पल से कहीं और को निकल पड़ता ना तो उसका वो टेम्पल प्राइमरी पर्पज़ नहीं था वो बस एक रास्ते में बीच में स्पॉट आया था है ना वो वहाँ से कहीं और को निकल के जा रहा है ना तो तब आपको आर्टिकल दाँ लगाना है ठीक है ना विद प्राइमरी पर्पज़ डोंट यूज आर्टिकल दी पर्प आपको आर्टिकल लगा लेना है आई होप क्रेयर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ माई नेबर कॉमा अलॉन्ग विध चिल्ड्रन स्लैश इज गोइंग टू नाइट टू सी ताजमहल आगरा मेरे नेबर अपने बच्चों के साथ कहाँ जा रहे हैं आज रात को ताजमहल को देखने आपको पता है फेमस बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स है ना रिनाउंड बिल्डिंग के नाम हो रिवर का नाम हो तो उससे पहले आर्टिकल द ताजमहल आएगा बेसिक सैरर है ये हर कोई देख के पहचान सकता है ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्ड मैन इन द क्राउड स्लैश वॉर्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे किसी बुजुर्ग आदमी ने जो क्राउड में था उसने किसको वॉर्न किया जूलियस सीजर कहानी पढ़ी होगी इसकी आपने ठीक है ना इसको वॉर्न किया किससे कि जो उसकी डेंजर उसकी डेथ का जो आने वाला है ठीक है ना अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस जूलियस सीजर का नाम अब देखो यहाँ लिखा है किसी का पर्टिकुलर नाम जूलियस सीजर एक पर्टिकुलर नाम है और मैंने आपको पहले ही कहा है समझाया था मैंने आपको विद प्रॉपर नाउन जब हम किसी पर्सन प्लेस थिंग जिसका हम नाम रखते हैं प्रॉपर नाम होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर के लिए हम जो यूज करते हैं तो इनसे पहले हमेशा आपको क्या यूज करना आर्टिकल द क्या करना है आपको यहाँ पे आर्टिकल दा लगाना है दा होना था वॉन्ड यहाँ पे आना था दा ठीक है ना तो आपका एरर यहाँ पर है आई गेस समझ आ गया होगा विद प्रॉपर नाउन यूज़ करना है दा बट कॉमन नाउन के साथ आप दा नहीं लगाते हो ठीक है ना मैंने कल समझाया था आपको अच्छे से ठीक है लिखा होता है अकबर वॉज द अकबर वॉज ग्रेट किंग तो वॉज अ ग्रेट किंग तो क्या होगा ये दा नहीं आएगा ना ये क्या है सॉरी अकबर है किसी का प्रॉपर नाउन है नाम है तो दा आएगा अगर लिखा होता अकबर वॉज अ ग्रेट किंग तो गलत था दा अकबर वॉज अ ग्रेट किंग ठीक है विद प्रॉपर नाउन यूज आर्टिकल आई थिंक क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश डिफीटेड इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू इंग्लिश ने हराया किसको फ्रेंच को देखो अभी हराने की बात हो रही है है ना कि फ्रेंच को हराया किस में बैटल में किसकी वाटरलू की बैटल में अगर आपने देखा हो यहाँ पर लिखा द इंग्लिश मतलब ये इंग्लिश किसकी बात हो रही है अंग्रेज लोगों की है ना इंग्लिश पीपल की बात हो रही है है ना तो इंग्लिश पीपल की बात हो रही है वैसे यहाँ पे फ्रेंच लोगों की बात हो रही है तो जब भी पीपल की बात हो तो अगर यहाँ द इंग्लिश है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था द फ्रेंच होना चाहिए था द इंग्लिश एंड द फ्रेंच है ना लेकिन वहीं अगर ये लोगों की जगह लैंग्वेज की बात की हो जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है अगर लैंग्वेज की बात हो तो आपने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है नो आर्टिकल इज यूज़ विद लैंग्वेज लैंग्वेज के साथ आप कोई भी आर्टिकल को नहीं लगाते हो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी अच्छे से क्वेश्चन आपको अपना नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एट फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकोगेशन दैट अ प्रॉब्लम इज द रिकॉगनेशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट बोला कि पहला स्टेप क्या ये होगा ये एट नहीं होगा यहाँ पे ये आ होगा सॉरी लिखा है बोला है बोला कि किसी भी प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को आप रिकोगनाइज करो यही बोला है ना तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है अब जिसने क्लास पढ़ी होगी आर्टिकल की उसको अच्छे से पता होगा कि जो ये एट फर्स्ट होता है ना ये आ फर्स्ट लिखा है फर्स्ट क्या हमारा यहाँ पर ये यह? मैंने आपको दो चीज़ करवाई थी मैंने कहा था एक होते हैं ऑर्डिनल्स एक होते हैं हमारे कार्डिनल्स जब हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल्स वहीं जब मैं कहती हूँ वन टू थ्री फोर सो ऑन ठीक है ना तो ये क्या हो गया हमारे कार्डिनल्स हो गए ठीक है ना तो जब भी ऑर्डिनल्स होते हैं इनसे के साथ इनसे पहले बिफोर ऑर्डिनल्स वी डोंट यूज आर्टिकल आर्टिकल इनसे पहले नहीं आता है ठीक है ना अब फर्स्ट स्टेप नहीं होगा सिंपली क्या होगा फर्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन ठीक है ना तो एनी प्रॉब्लम इज द रिकोगेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम ठीक है समझ आ गया अगर वहीं लिखा होता कार्डिनल्स तो आपने वन टू इन सब का ध्यान रखना है ठीक है ना वी शुड ड्रिंक्स स्लैश सेवन ग्लासेज ऑफ द वाटर स्लैश डेली इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी हमें क्या करना चाहिए डेली कुछ ग्लास पानी के पीने चाहिए क्यों अगर हम चाहते हैं खुद को हेल्दी रखना है ना तो लिखा है शुड ड्रिंक सेवन ग्लासेस ऑफ वाटर देखो वाटर लिखा है यहाँ पे अब ये मत समझना कि ये पर्टिकुलर वाटर है नॉर्मल चीज़ की बात की कि हमें दिन में इतना काम इतना डेली पानी पीना चाहिए तो हमने इस वाटर को क्या किया है जनरली यूज़ किया है ना तो जब मैंने आपको पहले कहा जब कोई भी चीज़ जनरल सेंस में यूज़ होगी तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा तो यहाँ पर द आर्टिकल नहीं आएगा ठीक है ना वहीं कोई पर्टिकुलर सा वाटर कहा होता तो हम दा लगा लेते आई होप क्लियर हो गया होगा समझ आया एक सेकेंड पीछे चलने दो मुझे एक मिनट गलती कुछ हुई है मुझसे शायद से द ओल्ड मैन इन द क्राउड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे ये जूलियस सीजर किसी का नाम है ना मैंने कहा था जब नाम होता है हमारा तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता यही गलती हुई मुझसे इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गई थी ठीक है ना तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा ये सही सेंटेंस है ठीक है ना यहाँ पर कोई गलती नहीं है यहाँ पे दा नहीं आएगा ये अकबर वॉज अ ग्रेट फोन ठीक है ना विद प्रॉपर नाउन हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं ठीक है ना समझ आ गया ये गलती की थी मैंने उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ सेवेंटी क्वेश्चन ऑन माय रिक्वेस्ट स्लैश जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट स्लैश नूअर कहा कि मेरी रिक्वेस्ट पे जतिन ने मुझे किससे इंट्रोड्यूस करवाया अपने एक दोस्त से जो क्या है सिंगर है और अ साइंटिस्ट है देखो यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड एंड और जिन बच्चों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा उनके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा क्यों मैंने कहा था एंड के साथ जब दो नाउन जुड़े होते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना होता है अगर वो दो नाउन देखो यहाँ पे बोला कि जतिन ने ही इंट्रोड्यूस किया मुझे है ना अगर यहाँ पे ये आ लगाए ना दोनों जगह पर देखो आ सिंगर एंड अ साइड इट मीन्स जब दो बार आर्टिकल लगा है ना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नाउन के साथ इट मीन्स ये दो पर्सन की बात हो रही है अलग अलग लोगों की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन हुआ ना कि दो अलग लोग हैं यहाँ लिखा है कि सिंपली जतिन ने मुझे अपने दोस्त टू हिज फ्रेंड लिखा है ना हिज अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस किया है। जो कि एक सिंगर है और एक जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है तो यहाँ पर ये यह आ नहीं आएगा इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट इसका मतलब है कि वो पर्सन क्या है वो पर्सन क्या है एक है लेकिन जब हम यूज़ करेंगे ना कि हम अगर लिखेंगे इसको ऐसे अगर लिखेंगे हम इसको ऐसे सिंगर एंड अ साइंटिस्ट इसका मतलब हो जाता है कि दो लोग हैं ठीक है ना लेकिन ऐसी कहीं बात नहीं हुई है ठीक है सेंटेंस में समझ आया नेक्स्ट क्वेश्चन सिंस द बिजनेस वॉज एक्सपेंडिंग टू चाइना ही वॉन्टेड टू लर्न द चाइनीज़ कहा है कि सिंस जैसे कि बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है चाइना तक तो वो चाहता है कि वो लर्न करे क्या चाइनीज चाइनीज़ ख़ुद में क्या लैंग्वेज है और हमने अभी पढ़ा कि लैंग्वेज से पहले आर्टिकल नहीं आता ठीक है ना लैंग्वेज से पहले नो no आर्टिकल तो यहाँ द चाइनीज नहीं होगा चाइनीज होगा ठीक है ना तो आपका एरर इस पार्ट में है मूविंग टूवर्ड्स नाइनटीन क्वेश्चन द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस लैस नो एरर अगेन ये हमारे टॉपिक एडजेक्टिव का क्वेश्चन निकल के आता है हम नॉर्मली भी सुनते हैं ना जितनी डिमांड ज़्यादा उतने प्राइजेस ज़्यादा ये ग्रेटर और हायर क्या है ये हमारे ये दोनों हमारे क्या हैं कंपेरेटिव डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं और जब हम कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज़ करें तो इनसे पहले आर्टिकल क्या आएगा हमारा आर्टिकल हमारा द आएगा दोनों केस हमारा आर्टिकल दा आएगा। अगर लिखा होता तो है ना तो कंपैरिजन हम यूज करते हैं द को ठीक है ना अब ध्यान यहाँ पर भी रखना आप एक चीज का मान लो कि एक ही इंसान को हम ज्यादा से कंपेयर करते हैं फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ ही इज द दी टू बॉयज़ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ईजी होते हैं बट कन्फ्यूजन वाले होते हैं कहा है कि ये जो है ना ही ये बेटर है किससे दो लड़कों से मतलब एक ही है दो से बेटर है मतलब यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है और जब भी हम सिलेक्शन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे पहले कोई कंपैरिजन किया हुआ है ऑब्वियसली यहाँ कंपैरिजन किया हुआ है इस ही का इन दो से कंपेयर किया हुआ है तो बेटर बता रहा है हमें कंपेरिटि डिग्री के बारे में कहीं ना कहीं ठीक है ना लेकिन उससे पहले लगा है द आर्टिकल लगा है द तो आपको क्या ध्यान रखना है जब ऐसा कोई केस बनेगा ना आपका एग्ज़ाम में तो आपने अगर दैन लिखा तो दैन से पहले आपका दा नहीं आना चाहिए था सेंटेंस क्या होता ही इज़ बेटर देन द टू बॉयज़ कब जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो लिख लो कहीं कॉपी पे इन केस ऑफ सिलेक्शन अगर किसी एक का एक से ज़्यादा से सिलेक्शन करवाया जा रहा है विद कंपैरेटिव डिग्री तो आपको देन के साथ दा नहीं यूज़ करना है वहीं अगर ऑफ होगा तो आप तब दा का यूज़ अच्छे से कर सकते हो ठीक है आई होप समझ आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एल्डर सिस्टर केम होम स्लैश आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज़ मेरी बहन घर आई थी सनसेट होने से पहले और चले गई सनसेट होने सनराइज होने के पहले आई थी उसके बाद और गई है उसके पहले अब देखो सनराइज और सनसेट है मैंने पहले ही करवाया कि जब भी ऐसे वर्ड दिखें सनराइज सनसेट इनसे पहले आर्टिकल द क्या होना चाहिए देखो हमने पीछे एक केस किया हुआ है ये वाला अगर ध्यान हो आप लोगों को मैंने आपको अच्छे से समझाया था लिखा है द डान द डस्क है ना तो मैंने कहा था इनसे पहले आपको आर्टिकल को यूज़ नहीं करना होता तो यहाँ पर डॉन है सनसेट है यहाँ पर भी तो दा हमने नहीं लगाया था टाइम के साथ हम दा को यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर भी क्या होगा दा यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा ठीक है दोनों केस में क्या होगा मै एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज ठीक है ना क्योंकि क्या है शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के साथ हम एट लगाते हैं द नहीं लगाते हैं ठीक है आई होप सेशन समझ आया होगा आप लोगों को सिर्फ हमने ट्वेंटी क्वेश्चन लिए थे आर्टिकल के और वो बीस के अंदर जितने भी रूल्स बनते हैं उनको आप लोग सभी अपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेना ये सारे क्वेश्चन जो करवाए मैंने ये सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर से क्वेश्चन हैं तो थोड़ा ध्यान देना इनके ऊपर होप फुली लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे